दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये महिंद्रा XUV 500 है W10। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन होता है, लेकिन जैसे भी अपन सेल्फ मारने के लिए जाते हैं तो क्लस्टर मीटर से उसका जो डिस्प्ले है वो कट हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो दिखाता हूँ मैं एक बार उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। XUV 500 और ये पुश बटन है, इसका चाबी है। तो अभी इसका मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। यहाँ पे ग्रीन लाइट शो करेगा और यहाँ पे उसका जो लाइट है वो भी आ गया अंदर। चेक लाइट आया और सिक्योरिटी लाइट भी आया, लेकिन जैसे भी इसको मैं क्लच दबा के मैं जैसे भी इसको सेल्फ मारूँगा तो यहाँ से जो डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये मैं इसको प्रेस किया तो जैसे भी प्रेस किया तो यहाँ पे एरर लिख के आया, एरर लिखा है, और यहाँ पे उसका जो डिस्प्ले है ये चला गया और ये गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं हो रही है। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मैं डायरेक्ट क्लच ही दबा के रख देता हूँ। पहला ही क्लच दबाया मैंने, इग्निशन स्विच ऑन भी किया और उसको सेल्फ भी मारता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेल्फ मारता हूँ। जैसा भी मैं सेल्फ मार दिया तो यहाँ पे उसका डिस्प्ले यहाँ पे बंद हो गया और यहाँ पे एरर लिख के आया। वापस एक बार दिखाता हूँ और उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो और दो चीज़ नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर का है LED, ये बंद चालू हो रही है, ब्लिंकिंग कर रही है, और साथ में उसका जो टेम्परेचर का साइन है ये ऊपर वाला ये भी उसके साथ में ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे एरर लिख के आ रहे हैं। तो उसको मैंने फॉल्ट को डायग्नोस किया। मैं आपको दिखा तो अभी इग्निशन स्विच ऑन है, अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अपन स्कैनर पे देखते हैं X2 PS70 Pro। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने DLC उसका कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको एक बार स्कैन करते हैं। डायग्नोस महिंद्रा, डायग्नोस्टिक XUV 500, सिस्टम सिलेक्शन और EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है फेल टू कम्युनिकेट, मतलब स्कैनर का ECM के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फेल टू कम्युनिकेट आ रहे हैं। और साथ में मैं इसको समझो IC इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैं करता हूँ तो ये रीड कर रहा है, इसमें रीड फॉल्ट कोड आ गया। तो EMS नोड अपसेंट करंट में आ रहा है, EMS मैसेज टाइम आउट। तो EMS का क्लस्टर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यू में कोड आ रहा है इसके ऑलरेडी, इसके अंदर U1101। और अपन MBFM को भी एक बार रीड करते हैं, जो इसका BCM है MBFM उसको अपन रीड करते हैं। तो ये भी रीड हो रहा है, रीड फॉल्ट कोड यहाँ पे भी सेम फॉल्ट कोड आ रहा है U1101 EMS नोड एबसेंट। तो BCM के साथ में भी MBFM के साथ में उसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ECM के साथ में BCM का। इसके लिए फॉल्ट कोड आ रहा है, इसको भी एक बार क्लियर करता हूँ। लेकिन उसमें एक देखेंगे तो बाकी का सब मॉड्यूल इसके साथ रीड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को अपन रीड करते हैं ECM को, तो ये फेल टू कम्युनिकेट आ रहा है, फेल टू कम्युनिकेट। तो और इस पर जैसा भी मैं अभी इग्निशन स्विच ऑन है और इसको मैं जैसा भी मैं क्रैंकिंग करूँगा सेल्फ मार के, इसको यहाँ पे दबाया मैंने और यहाँ पे भी डिस्प्ले ऑफ हो गया। इसको गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे एरर और टेम्परेचर का जो LED और जो साइन ये ब्लिंकिंग कर रहा है।
तो सीधा अपन फॉल्ट की तरफ जाते हैं। फॉल्ट को मैंने ट्रेस किया है ऑलरेडी, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और जब भी आपका EMS जो कनेक्ट नहीं होता है स्कैनर के साथ में, तो क्या स्टेप्स चेक करना है वो भी अपन देखेंगे। XUV500, तो अपन सीधा फॉल्ट की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने चेक किया है, और ये जो फ्यूज बॉक्स का कवर है इसके ऊपर इसका नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे ना K21 यहाँ पे लिखा है, K21 यहाँ पे मेन लिखा है। और इसमें अपन सर्च करेंगे तो यहाँ पे है इसका K21। तो K21 का लोकेशन के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। एक K21, तो ये बड़ा रिले, उसके बाजू में दूसरा एक बड़ा रिले, तो इसको अपन ऐसा रखेंगे तो सेम चेक करेंगे, तो ये बड़ा रिले के बाजू में ये दूसरा रिले है, ये मेन रिले है। तो इसमें मैं एक बार सप्लाई चेक करूँगा कि सप्लाई प्रॉपर आ रहा है क्या। K21 इग्निशन स्विच ऑन कर, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और अपन एक बार सप्लाई चेक करेंगे, पहले तो इसमें अपन मेन चेक करते मेन और इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है क्या। तो यहाँ पे रिले में चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 30, 87 और 85 और 86। तो 30 और 85 में देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेन और इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है क्या, और यहाँ से जो 86 है इसमें ग्राउंड आएगा, और यहाँ से ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ से ये आउट होएगा, करंट आउट हो जाएगा 87 से बाहर। तो पहला उसके अंदर अपन दो देखेंगे, ये 30 और 85 में मेन आ रहा है क्या, और यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है क्या 86 में। तो जैसा भी ये ओके रहेगा तो 87 से ये करंट पॉजिटिव आउट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसका यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है नेगेटिव में, और यहाँ पे अपन देखेंगे 30 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगत, हाँ यहाँ पे 30 में आ रहा है डायरेक्ट मेन डायरेक्ट पॉजिटिव। और अभी 85 में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है इग्निशन स्विच करंट का, क्योंकि अपना इग्निशन स्विच ऑन है। और अभी देखेंगे इसको अपन पॉजिटिव में लगाएंगे, और अभी ग्राउंड चेक करेंगे, और 86 में देखते ग्राउंड आ रहा है क्या। तो यहाँ पे ग्राउंड भी आ रहा है, मतलब अपना जो सप्लाई है वो बराबर है। तो अपन दूसरा रिले एक बार मैं लगा के देखते हैं, मेरे पास दूसरा एक रिले है, ये रिले है और ये पहले वाला रिले। तो अपन इस रिले को लगाते हैं, इग्निशन स्विच ऑफ कर दें, यहाँ पे लगाते हैं क्या, ऑफ कर। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, दूसरा रिले है मेरे पास एक, और अभी देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है क्या। ये इसका पुराना रिले, जब भी ये दूसरा डाला है। तो मेरे को ये रिले के ऊपर थोड़ा डाउट था, और ये इसमें ही प्रॉब्लम है, तो मैंने इसमें ऑलरेडी डायरेक्ट मेन और इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है, और साथ में 86 में उसका ECM से ग्राउंड भी आ रहा है। तो सप्लाई ओके है, तो अपन ने रिले डाला हुआ है, और चेक करते हैं। तो अपन ने दूसरा रिले चेंज करके
देखते एक बार, मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ। ऑन किया, यहाँ पे लाइट आया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एरर लिखा था वो चला गया, और साथ में ये जो टेम्परेचर का ये जो ब्लिंक कर रहा था एलईडी वो भी बंद हो गया, और ऊपर वाली भी बंद हो गई। और इसको मैं एक बार डायग्नोस करके ईएमएस अभी चेक करेंगे। डायग्नोस्टिक एक्सयू 500 ईएमएस, तो यहाँ पे ये रेड हो गए। तो ये रिले का ही प्रॉब्लम था, इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ईएमएस का भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था स्कैनर के साथ में। तो एक बार मैं गाड़ी का क्लच दबाया मैंने, और एक बार सेल्फ मार के देखते हैं, तो गाड़ी अपनी स्टार्ट भी हो गई। अभी देखें तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।